बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। कभी इस जंग के अंदर तालिबान का पलड़ा भारी होता है तो कभी अफगान फोर्सेज बाजी ले जाती हैं और तालिबान के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन इस सब के अंदर अब एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जिसने अफगानिस्तान की सरजमीन पर खाना जंगी यानी कि सिविल वॉर जो है उसके बादल मजीद गहरे कर दिए हैं और अब सिविल वॉर के बादल जो हैं वो अफगानिस्तान पर मंडलाने लगे हैं। एक ऐसा शख्स अफगान सरजमीन पर वापस आया है जो कि अपने आप को तालिबान का तो सबसे बड़ा दुश्मन कहता ही है, जो कि अपने आप को तालिबान के लिए डरावना ख्वाब कहा करता है। ये आदमी 2 महीने से तुर्की में मौजूद था। ये तुर्की में क्या कर रहा था? इसे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का चहीता क्यों कहा जाता है और ये शख्स जो है ये क्यों पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है? इसने माजी में पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया और ये भारत जो है उसकी गोद में भी क्यों खेलता रहा है और आज के दिन तक ये इंडिया का भी हॉट फेवरेट क्यों है? ये सारी की सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। और ये शख्स जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम या फिर अब तो ये मार्शल के ओहदे पर तरक्की पा चुका है, जो कि अफगानिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 या 3 लोगों को ये एजाज मिला है। इस शख्स के मुतालिक बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। ये शख्स किस कदर खतरनाक हो सकता है, अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान के लिए किस कदर खतरनाक है, लेकिन यहां पर सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान का दुश्मन और भारत का यार सदर रजब तैयब एर्दोगान का चहीता किस तरह से हो सकता है? इस हवाले से इसकी पूरी हिस्ट्री और ये रिसर्च बेस्ड वीडियो जो है जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम पर, ये हमने आपके लिए तैयार किया। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, अब्दुल रशीद दोस्तम ये अफगानिस्तान का एक सियासतदान है जो कि अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी के अंदर मार्शल है और यह शख्स अफगानिस्तान का नायब सदर यानी कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रहा और 2020 के अंदर इसे अपनी नायब सदारत का ओहदा छोड़ना पड़ा एक स्कैंडल की वजह से। जिनसी हिरासगी का कोई स्कैंडल था जिसकी वजह से यह शख्स गया, तो इसके बाद अमरुल्ला साले आया और इस सब के अंदर ये आदमी जो है ये अफगानिस्तान का नायब सदर तो रहा ही है अब्दुल रशीद दोस्तम, इसके साथ ही साथ ये अब वहां पर मार्शल इन द अफगानिस्तान नेशनल आर्मी भी है जो कि हाईएस्ट ओहदा होता है, 4-स्टार जनरल से ऊपर जो ओहदा होता है 5-स्टार वो ओहदा इस शख्स के पास है, लेकिन ये मशहूर किसी और काम की वजह से है। नाज़रीन इकराम, ये मशहूर है एक बहुत बड़ा वॉर लॉर्ड होने की वजह से और इसके बारे में लिखा गया है कि ही इज रिगार्डेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल and most notorious warlord since the beginning of Afghan wars, knowing for siding with winners during different wars. ये हमेशा जीतने वाली पार्टी के साथ रहा है माजी में और ये अफगानिस्तान की तारीख के अंदर जब से अफगान जंगें शुरू हुई हैं अब्दुल रशीद दोस्तम अब तक का सबसे ताकतवर मकामी वॉर लॉर्ड, जिसकी अपनी मलेशिया जिसकी अपनी आर्मी है, ये आदमी ये सब कुछ करता रहा है। इस सब के हवाले से नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह भी बताऊं कि जब इस शख्स को प्रमोट किया गया था मार्शल के ओहदे पर उस वक्त भी फॉरेन पॉलिसी जरीदे ने कहा था कि अफगान वॉर लॉर्ड्स प्रमोशन हाइलाइट्स द बैंकरप्सी ऑफ अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वॉर। बड़ी तनकीद हुई थी कि अशरफ गनी ने इस शख्स को क्यों मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी है, ये बदनामे जमाना वॉर लॉर्ड जो है जिससे छुटकारा अगर मिल रहा था तो हासिल कर लेते। ये दिखाता है कि अमरीका भी बैंकरप्ट हो गया है अमरीका की तारीख की सबसे तवील तरीन जंग के अंदर। अच्छा नाज़रीन इकराम, मैं अब आपको यह चीज भी इस शख्स के बारे में बता दूं कि यह नस्ल जो है इसकी ये अफगान नहीं है, यह शख्स जो है यह नस्ल से उज़्बेक है और उज़्बेक जो है वो उस सब के हवाले से उज़्बेक लोग जो है या फिर ताजिक लोग जो है उनसे तुर्की की बड़ी खास मोहब्बत है क्योंकि तुर्की का ये मानना है और ये नस्ल भी सेम ही है, तो उज़्बेक और ताजिक अफगानियों से ज्यादा करीब होने के बजाय नस्ली एतबार से तुर्क कौम जो है उसके बहुत ज्यादा करीब समझे जाते हैं और तैयब एर्दोगान जो है वो इस एथनिक ग्रुप को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इसे अपना समझते हैं और हमेशा इस तरह के बयान जो है वो दे चुके हैं।
इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, ये जो तुर्की के साथ ये इस अब्दुल रशीद दोस्तम के ताल्लुकात की एक तो बुनियादी वजह ये भी है, और इस सब के अंदर मैं आपको एक और चीज ये भी बताऊं कि ये 2 महीने से इलाज की गर्ज से तुर्की में मौजूद था। इतने क्राइसिस के दौर में ये शख्स जो है ये अफगानिस्तान के अंदर से फरार हो चुका था और ये तुर्की में मौजूद था, वहां पर ये अपना इलाज करवा रहा था। अब ये भी देखें कि ये इलाज के लिए भी किसी और मुल्क पर ट्रस्ट जो है वो नहीं कर रहा। वहां पर इसकी मुलाकात तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी हुई और वहां पर रजब तैयब एर्दोगान ने इसे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया, और उसके बाद ये तुर्की के वजीर खारजा से भी मिला, उन्होंने भी इसके हवाले से प्रेस रिलीज जारी किए, इस शख्स को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया, जितना प्रोटोकॉल वो किसी शख्स को दे सकते थे उन्होंने इसे दिया, तमाम फैसिलिटीज वहां पर इसे दी गई। और अब इसका वापस आना, क्योंकि यह ऐलान कर चुका था नाज़रीन किराम कि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं आकर अफगान जंग को लीड करूंगा, मैं अपनी मलेशियाज के साथ, जैसे इस्माइल खान है इराक के अंदर, वो अपनी मलेशियाज के साथ लड़ रहा है, लोकल ग्रुप्स को भी ये शख्स जो है ये एंगेज करेगा, और अफगानिस्तान की आर्मी में हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल होने की वजह से भी इस शख्स को जो एक प्रोटोकॉल मिलेगा और इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी मैटर करेगी। अब तालिबान जो है वो तैयब एर्दोगान के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं, तैयब एर्दोगान जो है वो किसी भी सूरत काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सपोर्ट है उसका कंट्रोल और उसकी मैनेजमेंट और उसकी सिक्योरिटी से पीछे नहीं हट रहे, जिसकी वजह से तालिबान धमकी दे चुके हैं। तो इस सिचुएशन में यह भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है अब्दुल रशीद दोस्तम को तुर्की ने ही भेजा। अब अब्दुल रशीद दोस्तम के तुर्की के साथ तो ये ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के हवाले से नाज़रीन किराम ये शख्स बड़ा बदनाम है। इस शख्स ने एक जेल बनाई हुई है और ये पहले बनाई हुई थी, अब तो इसका जरा इख्तदार कमजोर हुआ है, और उस जेल के अंदर नाज़रीन किराम ये करता यह था कि जो शख्स कहता था मैं पाकिस्तानी, उसे वहां पर पाकिस्तानी होने की वजह से ये कैद कर देता था। और इससे पहले भी माजी में एक खबर आई थी कि इसने 500 पाकिस्तानियों को रिहा करके बहुत बड़ा ऐलान किया, अपनी प्राइवेट जेलें बनाई हुई थी, खुद से कोई लेजिटिमेट चीज नहीं, और इस सब के अंदर इसने पाकिस्तान के लोगों को आजाद करके कहा भी तो बहुत से लोग हैं, मैं देख लूंगा क्या होता है। उसके साथ ही साथ आप ये साउथ एशिया मॉनिटर की खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोस्तम क्लेम्स पोजेशन ऑन हाफ ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी। अब्दुल रशीद दोस्तम जो है इसने क्लेम किया पोजेशन के पाकिस्तान की आधी टेरिटरी, आधा पाकिस्तान जो है वो तो अफगान है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम सेज दैट अफगान सॉइल इज नॉट लिमिटेड टू द ड्यूरेंट लाइन बट इट एक्सपेंड्स टू पाकिस्तानी कैपिटल सिटी ऑफ इस्लामाबाद। मारगला की पहाड़ियों तक हमारा है, ड्यूरेंट लाइन को हम नहीं तस्लीम करते, ड्यूरेंट लाइन कुछ भी नहीं है, और हम इस सब के अंदर इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर इसे अपना वापस हिस्सा बनाएंगे, ये मेरा अल्टीमेट अजम है। उसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि आप इसकी तोलो न्यूज की एक और खबर भी देख सकते हैं, जब ये वाइस प्रेसिडेंट था उस वक्त इसने पाकिस्तान के साथ तमाम तर ताल्लुकात खत्म करने की बात कही, और इसने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ सब ताल्लुकात को खत्म करना होगा। आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सीक्स टू कट टाइज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद दोस्तम सीक्स टू कट डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पाकिस्तान। इसने पाकिस्तान से तमाम तर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो कट करने का दावा भी किया, और यह मुतालबा किया कि हमें पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना, हमें तो पाकिस्तान की आधी सरजमीन हथियानी है। अब इस शख्स के हवाले से मैं अगर आपको इंडिया के साथ इसके ताल्लुकात बताऊं तो यह एक इसकी बड़ी पुरानी तारीख है इंडिया के साथ अपने जो अच्छे ताल्लुकात की, और यह एक इंतहाई एक्टिव हिस्सा था, बहुत ही ये आप कह सकते हैं कि बड़ा ही वाइब्रेंट पार्ट था ये नॉर्दर्न अलायंस का। नॉर्दर्न अलायंस जो है उसने 90s के अंदर इंडिया उसका हिस्सा था, रशिया उसका हिस्सा था, ईरान उसका हिस्सा था, और ये सारे वो थे जो तालिबान हेटर्स थे, जो तालिबान मुखालिफ थे और तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये शख्स जो है ये उस जंग के अंदर भी बाकायदा तौर पर डायरेक्टली नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया के साथ था, और इंडिया के ये जयशंकर से भी मिलता रहा है, इंडिया के अंदर भी इसे बड़े दौरे करता रहा है, और इंडिया के अंदर इसे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल भी देता रहा है। और ये शख्स जो है इसके बारे में ये आलमी जो लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन पॉलिसी जैसा जरीदा इस शख्स के बारे में कहता है कि ये अमेरिका की नाकामी और अशरफ गनी की नाकामी है कि अगर उन्हें अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे शख्स पर ही इन्हेसार करना पड़ रहा है। तो इस सब के अंदर इस शख्स के हवाले से यही कहा जाता है कि ये अब वापस भी आ चुका है, ये सबसे बड़ा ट्रबल मेकर है अफगानिस्तान का, और इससे तालिबान को अगर नुकसान की बात की जाए, तालिबान को धचके की बात की जाए, तालिबान को ये क्या बंप लगा सकता है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बारे में कहा जाता है कि ही इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये अमरुल्ला साले, ये अशरफ गनी, ये हमदुल्ला मुहिब, ये सब इसके सामने कुछ भी नहीं है जब बात आती है
पाकिस्तान से नफरत की और ही ऑलवेज क्रिएट्स ट्रबल्स एंड ही इज एक्सट्रीमली रूथलेस एंड सेंसलेस एंड विल क्रिएट ट्रबल फॉर पाकिस्तान। और ये सेंसलेस है, रूथलेस, ये कहता है बस ऐसी की तैसी फेर दो, ये कर दो। तो इस वजह से ये शख्स जो है ये ज्यादा खतरनाक है। और अगर बात की जाए तालिबान के हवाले से, तालिबान के लिए किस तरह से चैलेंज हो सकता है, एक चीज ये तालिबान को डायरेक्ट शिकस्त दे सकता है, उसका जवाब बहुत क्लियरली है कि बिल्कुल भी नहीं। ये इतना पावरफुल है ही नहीं कि ये तालिबान को कोई शिकस्त दे सके या तालिबान को कोई धचका पहुंच सके इस पूरी की पूरी जंग के अंदर। लेकिन यह कर क्या सकता है कि यह खाना जंगी करवा सकता है और यह खाना जंगी का एक्सपर्ट है। तो यह जब खाना जंगी होगी, जब सिविल वॉर होगी, तो इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा, इंटरनेशनल इंटरवेंशन बढ़ेगी, वो इंटरवीन करेंगे और फिर मुआहदे पीछे रह जाएंगे और आलमी बिरादरी को बीच में आना पड़ेगा जब आम लोगों के ऊपर इफेक्ट होगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है नाज़रीन किराम, अब्दुल रशीद दोस्तम नामी इस शख्स के हवाले से। और अब ये अफगानिस्तान वापस आ चुका है, इससे पहले भी इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, ये काबुल लैंड कर चुका है 2 महीने इस्तंबुल में अपना इलाज करवाने के बाद। तो जारी बात है पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे और पाकिस्तान भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखे हुए हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताकयामत रखे। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।